मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान पर साधु संतों में नाराजगी का माहौल है। साधु संतों के अलावा बीजेपी के तमाम नेता भी इस बयान की लगातार निंदा कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। प्रयागराज के श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाड़ के महंतों ने अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की है और चेतावनी दी है कि अखिलेश यादव अपने इस बयान पर साधु संत समाज से माफी मांगे। यही नहीं, अखाड़े से जुड़े महंतों का कहना है कि अखाड़े के जो संत हैं वो महाकुंभ 2025 में अखिलेश यादव का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि धर्माचार्यों ने अखिलेश यादव पर आरोप मढ़ा है कि अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं और सनातन धर्म के विरुद्ध ऐसे बयान देना गलत है। अगर अखिलेश की जुबान भी फिसल गई है तो ऐसे बयान के समय तो समय रहते उनको माफी मांग लेनी चाहिए। अखिलेश यादव खुद माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। माफियाओं को संरक्षण देने का काम अखिलेश यादव का है। अखिलेश के अंदर बचपना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव संत समाज को समझते थे। अखिलेश यादव की उनके बयान को लेकर जमकर किरकिरी हो रही है। उन पर साधु संत समाज तो नाराज है ही, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी उनको लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इस बयान को लेकर काफी नाराजगी हर ओर देखने को मिल रही है। इस बयान को लेकर अखिलेश यादव का खूब विरोध भी किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका खूब विरोध किया। पुतला भी अखिलेश यादव का फूका है। बता दें कि सपा सुप्रीमो के बयान से सियासी पारा पूरे यूपी का हाई है। दरअसल अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है। उनके इसी बयान को लेकर अब इतना ज्यादा विवाद हो गया है कि लगातार उनका विरोध हो रहा है। तमाम जो मठाधीश हैं वो भी इसको लेकर खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर तमाम संतों का क्या कहना है, ये आपको एक एक करके सुनवाते हैं। मैं भी उनके बयानों से अवगत हुआ हूँ, जानकारी मिली है, लेकिन एक इतने बड़े नेता, पार्टी के नेता के द्वारा इस तरह से अनभिज्ञता रूप का जो बयान आया है एकदम अनुचित है। उनके पद के अनुसार ये बयान उन्हें नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके करना चाहिए। अगर कहीं बात जवान से फिसल गई है तो वो है जो इससे क्षमा मांगे, अपनी माफी मांगे, गलती को सुधारे। संत समाज में नाराजगी होनी ही चाहिए। ये हिंदू धर्म से आते हैं और हिंदू धर्म पर ही है कुठारा घाट करते हैं। समाज के लिए इनके पिताजी ने संगठन बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई, समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए। लेकिन इनके जो ये आए हैं भाव, मठाधीश और जो हैं माफिया को, दोनों को एक तराजू में बैठा लिया है। ये इन्होंने आपराधिक काम किया है और ये निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मैं सभी संतों से प्रार्थना करते हैं, इनका बड़ी जोर और शोर से कुंभ मेला में इनका बहिष्कार किया जाए, ताकि ये जो हैं इनको महसूस हो कि हम क्या बोल रहे हैं। राष्ट्र की सेवा के लिए गठन किया गया समाजवाद को, राष्ट्र के हित के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और उन मूल्यों की रक्षा ना करते हुए, समाज में एकता ना स्थापित करते हुए, समाज में अखंडता ना स्थापित करते हुए ये समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं, ऐसा बोल करके इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस तरह यदि और करेंगे और ये कुछ बोलेंगे तो ये फिर इस तरह से चल नहीं सकते हैं। इनकी जो है पार्टी समाप्त हो जाएगी और ये फिर बैठ जाएंगे शांति से। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पक्ष विपक्ष की राजनीति इतनी मर्यादा विहीन न हो जाए कि सनातन धर्म, साधु संत, मठाधीश पर बात आ जाए। व्यक्तिगत आक्षेप करिए, ठीक है। आपको भाजपा की आलोचना करनी है, योगी जी की आलोचना करनी है, करो। लेकिन अगर सनातन धर्म, मठाधीश, मठ इस पर उतरे तो सनातन धर्मावलंबी आप जैसे नेताओं के ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं। इसलिए राजनीति अपनी मर्यादा में रहे वो ज़्यादा अच्छा है। धर्म के क्षेत्र में अपमानजनक टिप्पणियों से बचिए। उन्मत्तता
ज़्यादा ठीक नहीं होती है। अखिलेश जी, ऐसा कैसे कहूँ कि किस बात का घमंड है, लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया से सनातन धर्म के विरोध में सनातन उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करके लौटे हुए नेता हैं, तब से इन्होंने हिंदू धर्म धर्माचार्यों के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप की टिप्पणियां करना ज़्यादा प्रारंभ कर दिया। ये घातक है उनके लिए भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक समाज ये सोचता नहीं है, देखता नहीं है या इन टिप्पणियों को सुनता नहीं है, तो समय आने पर गुरूर तो रावण जैसे को भी नहीं रहे, तो अखिलेश यादव कौन किस खेत की मूली हैं कि घमंड पाल करके राजनीति में बहुत ज़्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे। बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए विरोध का माहौल पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ साधु संत अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर जमकर अखिलेश यादव का विरोध कर रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।